सुप्रभातम बच्चों, मैं सुधीर द्विवेदी सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज तक आपने हिंदी भाषा के अंतर्गत भाषा क्या है, भाषा को लिखने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो चिन्ह क्या है, तथा व्याकरण का उपयोग क्या है, वर्ण और शब्द और वाक्य का अध्ययन किया। बच्चों, इतने अध्ययन करने के बाद आपने अनुभव किया होगा कि वार्तालाप करते समय कभी कभी कुछ ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग हो जाता है जो हम पर विशेष प्रभाव डालते हैं, जो भाषा की रोचकता को बढ़ा देते हैं, भाषा की सरसता को बढ़ा देते हैं। ऐसे वाक्यांश क्या कहलाते हैं, क्या किसी को पता है? नहीं पता? मैं बताता हूँ बच्चों, ये भाषा में प्रयोग कर किए जाने वाले मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे क्या होते हैं मालूम है किसी को? नहीं मालूम? चलिए, हम सब मुहावरे क्या होते हैं, और बच्चों मुहावरे के समान ही दूसरा एक वाक्य विन्यास है जिसे कहते हैं लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ भी भाषा को सरस, प्रभावपूर्ण और रोचक बनाती हैं। उन दोनों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और अपनी भाषा शैली में प्रयोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुहावरों को जानने से पहले हम सब, जिन बच्चों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए हम सब देखें कि मुहावरे क्या हैं। बच्चों, कभी कभी आपने देखा होगा कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति जब ज्ञान को ज़्यादा प्रकट करता है तो लोग कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति है जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, ऐसा कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कि अधजल गगरी छलकत जाए, ये जो वाक्य विन्यास है पूरे वाक्य को सुंदर बना रहा है, रोचक बना रहा है, प्रभावपूर्ण बना रहा है। इसका अर्थ क्या होता है? आधी आधी भरी हुई गगरी, और जब कोई चलता है उसे लेकर के वो छलकती है। लेकिन इसका यहाँ पर ये अर्थ नहीं होगा। मैंने आपको बताया था विशेष अर्थ प्रदान करने वाले मुहावरे कहलाते हैं। विशेष अर्थ क्या होता है? अधजल गगरी यानी अपूर्ण ज्ञान, अपूर्ण स्थिति, और छलकना यानी प्रकट करना, ये क्या कहलाता है? अधजल गगरी छलकत जाए। आइए देखते हैं कि हम लोग मुहावरे क्या होते हैं। सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विशेष अथवा विलक्षण अर्थ को प्रदान कराने वाले पदबंध को मुहावरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहावरा, ठीक है। इन्हें वाग्धारा भी कहा जाता है। वाग्धारा इसलिए कहा जाता है, वाक का अर्थ होता है वाणी, धारा का माने प्रवाह, वाणी के प्रवाह को बढ़ाने वाले ऐसे वाक्य विन्यास, पद विन्यास, पदबंध वाग्धारा कहलाते हैं। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो रचना में अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है। रचना में भावगत सौंदर्य की दृष्टि से, भावगत यानी जो भाव को प्रकट करता है, भाव के अंतर्गत जो सौंदर्य होता है उसकी दृष्टि से मुहावरे का विशेष अर्थ है। बच्चों, इसके प्रयोग में भाषा में सरसता, रोचकता और प्रभावपूर्णता वृद्धि है। इनके मूल रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों, मुहावरे के अंतर्गत जो विशेष शब्द होते हैं उनका पर्यायवाची शब्द प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु क्रियापद में काल, पुरुष, वचन आदि के अनुसार परिवर्तन अवश्य होता है। क्रिया का जो पद होता है वो वचन, काल और पुरुष के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, समझे। मुहावरा एक विशेष बात ध्यान देने वाली है। मुहावरा क्या होता है? अपूर्ण वाक्य है। कैसा वाक्य है? अपूर्ण वाक्य है। वाक्य प्रयोग करते समय यह वाक्य को अभिन्न अंग बन जाता है। जब वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है तो ये वाक्य का अभिन्न अंग बन जाता है, बल्कि ये पूरा पूर्ण वाक्य नहीं है। मुहावरे के प्रयोग में वाक्य में व्यंग्यार्थ उत्पन्न होता है, अतः मुहावरे का शाब्दिक अर्थ न लेकर उसका भावार्थ ग्रहण करना चाहिए। समझ में आया बच्चों? अर्थात मुहावरे के द्वारा, मुहावरा जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसका शाब्दिक अर्थ नहीं, वो वाक्य में, वो वाक्य विन्यास में भाव के अर्थ को प्रदान करता है। अभी इसमें बच्चों एक व्यंग्यार्थ आया है, व्यंग्यार्थ शब्द आया है। व्यंग्यार्थ का अर्थ होता है व्यंग्य
यानी अपने अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को प्रदान करने वाला शब्द या पदबंध व्यंग्यार्थ पदबंध कहलाता है। आइए हम सब देखते हैं, कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उन मुहावरों को देखें और उसे समझने का प्रयास करें। बच्चों सबसे पहला मुहावरा है अंग अंग खिल उठना। अंग अंग खिल उठना, खिलता कौन है? पुष्प। क्या अंग कभी खिलता है? लेकिन इसका विशेष अर्थ यहाँ पर क्या है? प्रसन्न हो जाना, प्रसन्नता से पूरा अंग अंग खिल उठता है, प्रसन्न हो जाना। दूसरा मुहावरा है अंग छूना। अंग छूना अर्थात कसम खाना, सौगंध ग्रहण करना। तीसरा अंग अंग टूटना। क्या अंग कभी टूटता है? अंग अंग टूटना, सारे बदन में दर्द होना। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। अंग अंग मुस्काना, बहुत प्रसन्न हो जाना। अंग अंग फूले न समाना, बहुत आनंदित हो जाना। अंगड़ाना, अंगड़ाना अंगड़ाई लेना या जबरन पहन लेना। अंगारा होना बच्चों, अंगारा होना। अंगारा क्या होता है? आग का कोयला जो जलता हुआ लाल लाल हो, लेकिन क्या होता है? क्रोध में लाल हो जाना। अंगारा उगलना, जली कटी सुनाना। अंगारों पर पैर रखना क्या होता है? क्या होता है बच्चों? जोखिम मोल लेना, जोखिम माने खतरा। अंगूठे पर मारना, अंगूठे पर मार, अपने पैर के अंगूठे पर कोई मारता है तो उसी का अर्थ क्या है? परवाह ना करना, धोखे से लगता है इसलिए परवाह ना करना। अंगूठा दिखाना, निराश करना या तिरस्कार पूर्वक मना करना। समझ में आया? अंगूर खट्टे होना, प्राप्त न होने पर उस वस्तु को रद्दी बताना। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ ठीक है। अंजर पंजर ढीला होना, अंग अंग ढीला होना। अंग फूट जाना, भेद खुल जाना। अंधा बनना, ठग जाना। अंधा बनना, ठग जाना। अंधे की लकड़ी या लाठी क्या होती है बच्चों? एकमात्र सहारा। बहुत अच्छे बेटा। अच्छा, अंधे को चिराग दिखाना क्या होता है बच्चों? नहीं पता। अंधे का अर्थ है मूर्ख, मूर्ख को उपदेश करना। अंधे को चिराग दिखाना, क्या अंधे को चिराग माने दीपक दिखाने से क्या उसे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। उसी प्रकार मूर्ख को उपदेश करने पर क्या उसे समझ में आएगा? नहीं आएगा। अंधे को दीपक दिखाना यानी मूर्ख को उपदेश करना, ठीक है। अंधाधुंध, अंधाधुंध माने लगातार बिना सोचे विचारे, इसका विशेष अर्थ है। अंधानुकरण करना, बिना विचारे अनुकरण करना। अंधेर खाता, अंधेर खाता क्या होता है? अव्यवस्था। अंधेर नगरी क्या होती? अंधेर नगरी का विशेष अर्थ क्या होगा? वह स्थान जहाँ कोई नियम व्यवस्था ना हो, वह स्थान जहाँ पर कोई नियम और व्यवस्था ना हो। पहले एक हिंदी में पाठ चलता था, अंधेर नगरी चौपट राजा। हाँ, अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास भारी चीज पा लेना। अंधों में काना राजा, अयोग्य व्यक्तियों के बीच कम योग्य भी बहुत योग्य होता है। ये बच्चों क्या है? ये सब मुहावरे हैं। ये अपने अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को प्रदान करते हैं। अभी आपको मैंने बताया था मुहावरों के समान ही लोकोक्तियों का भी प्रयोग होता है। लोकोक्तियाँ क्या हैं जरा देखें। लोकोक्ति का अर्थ है लोक माने संसार, उक्ति माने कहावत। लोक माने संसार, उक्ति माने कहावत, अर्थात संसार की कहावत, लोगों के द्वारा कहे जाने वाला कथन। लोकोक्तियाँ अथवा कहावतें लोक जीवन में किसी घटना या अंतरकथा से जुड़ी रहती हैं। इनका जन्म लोक जीवन में ही होता है। प्रत्येक लोकोक्ति समाज में प्रचलित होने से पूर्व में अनेक बार लोगों के अनुभव की कसौटी पर कसी जाती है। लोकोक्ति बच्चों ऐसे नहीं बनती है। लोकोक्ति वो वाक्य बनता है जो लोगों के द्वारा कई बार अनुभव में लाया जाता है। अनुभव लेते हैं लोग और अनुभव की कसौटी पर कस करके उसे लोकोक्ति बनाते हैं, और सभी लोगों के अनुभव उसी लोकोक्ति के एक साथ एक से रहे हैं। तब वह कथन सर्वमान्य रूप से हमारे सामने है। लोकोक्तियाँ दिखने में छोटी लगती हैं परंतु उनमें अधिक भाव रहता है। लोकोक्तियों के प्रयोग रचना में भावगत विशेषता आ जाती है। एक बात और है बच्चों, मुहावरे का प्रयोग
वाक्य के अंतर्गत किया जाता है, स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। लेकिन लोकोक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी किया जा सकता है। अच्छा बच्चों, मैंने आपको बताया था दोनों का प्रयोग वाक्यों में होता है और वाक्यों से स्वतंत्रता से लोकोक्तियों का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है जरा देखें। मुहावरा वाक्यांश होता है तथा इसके अंत में होना, जाना, देना, करना आदि क्रिया का मूल रूप रहता है। जिस वाक्य के अंत में जाना, होना, देना, करना आदि क्रियाओं के मूल रूप रहें तो आप समझ लेना कि वो क्या है, मुहावरे हैं। और जिसका वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग, वचन, काल, कारक आदि के अनुसार रूप बदल जाता है, जबकि लोकोक्ति क्या होती है, अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है, इसका किसी वाक्य के अंतर्गत प्रयोग करना अनिवार्य नहीं होता है और प्रयोग स्वतंत्र वाक्य की तरह ज्यों का त्यों हो जाता है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? मुहावरों का प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत किया जाता है, लोकोक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, लोकोक्तियां स्वयं ही पूर्ण वाक्य होती है। समझ में आया? ठीक है, आइए हम सब देखते हैं कुछ लोकोक्तियां क्या हैं। अंडा सिखावे बच्चे को चींची मत करना, अंडा सिखावे बच्चे को चींची मत करना, इसका अर्थ क्या होगा? छोटे के द्वारा बड़े को उपदेश देना, छोटे के द्वारा बड़े को उपदेश देना। दूसरा, अंडे सेवे कोई, बच्चे लेवे कोई, यह लोकोक्ति, अंडे सेवे कोई, बच्चे लेवे कोई, अर्थात परिश्रम कोई करे, लाभ किसी और को मिले, ये इसका विशेष अर्थ है। अंडे होंगे तो बच्चे बहुतेरे ही हो जाएंगे, मूल वस्तु रहने पर उससे बनने वाली वस्तुएं मिल ही जाती हैं, इसका विशेष अर्थ है। अंत भला सो सब भला, इस लोकोक्ति का अर्थ है कार्य का परिणाम सही हो जाए तो सारी गलतियां भुला दी जाती हैं। अन्य लोकोक्ति है अंत भले का भला, भाई करने वाले का भला ही होता है। अंधा वाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, अंधा वाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, बांटने वाला बांट रहा है केवल अपनों को ही दे रहा है, उसका अर्थ विशेष क्या है, अपने अधिकार का लाभ अपने लोगों को ही पहुंचाना। समझ में आया बच्चों? अंधा क्या चाहे, दो आंखें। अंधा क्या चाहे, अंधे के को क्या आवश्यकता है, दो आंखों की, बाकी तो सब कुछ मिल जाएगा, इसका विशेष अर्थ है मन चाही वस्तु का को प्राप्त होना। समझ में आया बच्चों? आइए कुछ अन्य लोकोक्तियों को देखते हैं हम लोग। अंधा पीसे कुत्ता खाए, अर्थात एक की मजदूरी से दूसरे को लाभ हो जाता है। अन्य लोकोक्ति, अंधा बगुला कीचड़ खाए, क्या होता है, भाग्यहीन को सुख नहीं मिलता। फिर अंधा सिपाही कानी घोड़ी, विधि ने खूब मिलाई जोड़ी, क्या है लोकोक्ति, अंधा सिपाही कानी घोड़ी, विधि ने खूब मिलाई जोड़ी, इसका अर्थ क्या है, बराबर वाली जोड़ी बनना। अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ है दो मूर्ख एक दूसरों की सहायता करें तो भी दोनों को हानि ही होती है। अंधे की लाठी बेसहारे का सहारा, अंधे के आगे रोए अपने आंखें खोए, अर्थात मूर्ख को ज्ञान देना बेकार है। अंधे के हाथ बटेर लगना, ये लोकोक्ति है, अंधे के हाथ बटेर लगना, क्या होता है अर्थ, अनायास ही मन चाही वस्तु मिल जाना। अंधे को अंधा कहने से बुरा लगता है, ये लोकोक्ति है, किसी के सामने उनका दोस्त बताने से उसे बुरा ही लगता है, ये इसका विशेष अर्थ है। अंधे को अंधेरे में बड़े दूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बड़े दूर की सूझी, क्या हुआ, मूर्ख को बुद्धिमत्ता की बात सूझना। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, क्या है इसका अर्थ, जहाँ मुखिया मूर्ख हो और न्याय अन्याय का ख्याल न रखता हो, जहाँ मुखिया मूर्ख हो न्याय और अन्याय का ख्याल न रखता हो, समझ में आया। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला व्यक्ति किसी बड़े काम को संपन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। अन्य लोकोक्ति, अकेला हंसता भला न रोता भला, अकेला न हंसता भला न रोता भला।
सुख हो या दुख, साथी की जरूरत पड़ती ही है। समझ में आया बच्चों? अक्लवड़ी या भैंस, शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि का अधिक महत्व होता है। अच्छी मति जो चाहो बूढ़े पूछन जाओ, अर्थात बड़े बूढ़ों के अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। अटकेगा सो भटकेगा, अर्थात दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता। अधजल गगरी छलकत जाए, क्या होगा इसका अर्थ? ओछा आदमी थोड़ा गुण या धन होने पर इतराने लगता है, थोड़ा गुण या धन होने पर इतराने लगता है। बच्चों आपकी समझ में आया लोकोक्तियाँ और मुहावरे क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर है, दोनों का प्रयोग कैसे किया जाता है और दोनों की उपयोगिता क्या है? ठीक है, आइए हम सब कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियों के अर्थ बताइए, मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताइए। मुहावरे वे होते हैं, हाँ बताओ अनुभव, मुहावरे वे होते हैं, ठीक है, जो भाषा को सरस, रोचक और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, लोकोक्तियाँ हाँ अथर बताओ, बहुत सही, लोकोक्तियाँ जन सामान्य की के कथन होते हैं जो लोगों की अनुभव की कसौटी पर कसकर लोकोक्ति बन जाते हैं और जिनका स्वतंत्र प्रयोग होता है, ये विशेष अर्थ को प्रदान करते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा बच्चों, ये जो नीचे दिए गए हैं इनका अर्थ क्या होता है? अंग अंग खिलना, खिल उठना, बहुत प्रसन्न हो जाना, ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। नंबर दो, अंधेर नगरी, तनुजा बताओ बेटा, अव्यवस्था होना, बहुत अच्छे बेटा। हाँ शिवी बताओ, अंधानुकरण करना, बिना विचारे काम कर देना, ठीक है। नंबर चार, अकेला न हंसता भला न रोता भला, कौन बताएगा? मृत्युंजय बताओ बेटा, अकेला न हंसता भला न रोता भला, सुख हो या दुख दोनों में साथी की सहायता पड़ती है, बहुत अच्छे बेटा, बैठ जाओ। मुदित बताओ, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, ठीक है बच्चों आपकी समझ में आ गए, और जिसकी जो समझ में ना आए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना, मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, समझना, बार बार इसे समझने का प्रयास करना। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों धन्यवाद, आप योग्य और विद्वान बने।